हनुमान, जिस प्रकार तुम मुझे स्वर्ग से वापस ले आए, उसी प्रकार इन्हें भी वापस ले आओ। यदि ये लौट कर नहीं आए तो मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि आपने नेत्र नहीं खोले तो मैं भी इसी जल में समा जाऊंगी। सुन रहे हैं आप? नेत्र खोलिए स्वामी। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम इतने शांत क्यों बैठे हो इनकी भांति? कुछ तो बोलो। लौट आइए ना पिताश्री, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। पिताश्री, आप हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। हे ईश्वर, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे पिताश्री के सानिध्य से हमें वंचित ना कीजिए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सार्थक हुई हनुमत तपस्या, नष्ट हुई प्रत्येक समस्या। पिता को नव जीवन मिला, पुत्र मनोरथ सिद्ध हुआ। पूर्ण हुआ हनुमत संसार, हुआ एकत्रित उनका परिवार। पिता पुत्र का अपूर्व मिलन, भावुक हुआ सबका मन। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। के बिना मैं अपूर्ण था, मेरा सुमेरु अपूर्ण था, मेरा संसार अपूर्ण था, मेरा जीवन अपूर्ण था। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पिताश्री, परिवार के इस भावुक मिलन को देखकर मेरे भी नेत्र भर आए। देवी अंजना, आप बहुत भाग्यवान हो कि आपको ऐसा पुत्र मिला जो आपको स्वर्ग से भी ले आया। ऐसा पति मिला जिन्होंने आपसे मिलने के लिए स्वर्ग जाने का प्रण कर लिया। ईश्वर सदा इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। इंद्रदेव, आप स्वयं मेरी पत्नी और पुत्र को लेकर आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केसरी जी, मुझे दुख है कि देवलोक के नियमों से बंधे होने के कारण आपके परिवार से आपकी पत्नी को मुझे दूर स्वर्ग ले जाना पड़ा। किंतु जिन ऋषि ने देवी अंजना को श्राप दिया था, उन्होंने स्वयं ही देवी अंजना को सदा सदा के लिए श्राप मुक्त कर दिया। अब ये सदैव आपके साथ सुमेरु में रह सकती। आप
की इस अनुकंपा के लिए आपका और उन ऋषिवर का बहुत धन्यवाद। सत्य तो ये है केसरी जी कि इस सब का श्रेय केवल आपके पुत्र हनुमान को ही जाता है। संकट मोचन हनुमान ने नव ग्रहों की दशा सुधार कर इस संसार पर आए घोर संकट को हरा, अपनी माता पर छाई श्राप की काली छाया को हटाकर माता का संकट हरा। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान के होते हुए आपको कभी भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है केसरी जी। जग करता उनका अभिनंदन, मातु करती पुत्र अवलोकन, हनुमत कीर्ति का देख प्रसार, माता को होता गर्व अपार। अब मुझे प्रस्थान करना होगा, अनुमति दीजिए। प्रणाम ऋषि वर्मतन। अब हनुमान अंजना को लेकर आ गया है, मेरा वचन पूर्ण हुआ, मुझे यहां से निकल प्रस्थान कर जाना चाहिए। मां, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। किससे पुत्र? अब हनुमान उस राक्षसी के पास क्यों जा रहा है? से मिलिए। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम महारानी जी। ये मार्जरी का है, राक्षसों की गुप्तचर। ये मायावी राजभवन में आपका रूप धारण करके रह रही थी। इसका भेद खोलने के पश्चात इसे छल करने और देशद्रोह के आरोप में इसे घोर दंड मिलना चाहिए था, किंतु महाराज ने उदारता दिखाते हुए स्त्री सम्मान के सिद्धांत का पालन किया और इसे दंड नहीं दिया। किंतु माँ, आपके जाने के बाद इन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे भोजन आदि दिया। मैंने इसे दंडित करके यहां से जाने का आदेश दिया था, किंतु ये हनुमान के आने तक यहां रुकना चाहती थी। मुझे स्मरण है महाराज, हनुमान के लौट कर आने से मेरा वचन पूर्ण हो गया है। अब मैं स्वतः यहां से चली जाऊंगी। महारानी जी, मैं तो आसुरी प्रवृत्ति वाली राक्षसी थी, किंतु आपका पुत्र हनुमान तो पवित्र नदी गंगा की भांति है, जो को पवित्र कर देती है। किंतु इसके संपर्क में आकर मेरी राक्षसी प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। मैं चली जाऊंगी महाराज, किंतु मैं जहां से आई थी मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। उन राक्षसों के मध्य मुझसे जो भी भूल हुई हो, मैंने जो भी दुख दिए हो आप सबको, उन सबके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबको मेरा प्रणाम। चाहिए
आप इस प्रकार यहाँ से नहीं जा सकती। पिताश्री, आपने तो इन्हें इनका दंड सुना दिया, किंतु मैं यहाँ का युवराज हूँ और ये मेरे लिए यहाँ आई थी, इसीलिए मैं इन्हें दंड देना चाहता हूँ। हनुमान इस प्रकार कैसे बोल रहा है? माँ का रूप लेकर इन्होंने मुझे छला था, इसीलिए इन्हें दंड देने का अधिकार मेरा भी है। और इनका दंड ये है, कि इन्हें राजभवन में ही रखा जाए। मेरी ढाई माँ बनकर किंतु ये हमारे मध्य पिताश्री, इनका हृदय परिवर्तित हो चुका है। मैंने इनमें अपनी माँ को देखा है। और आपने ही तो मुझे ये सीख दी थी कि क्षमादान सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरी तो यही इच्छा है कि ये हमारे साथ राजभवन में रहें। हनुमान को समझाओ, एक राक्षसी हमारे मध्य कैसे रह सकती है? केसरी जी, अंजना की अनुपस्थिति में अंजना बनकर इसने हनुमान की देखभाल की, मेरी पुत्री की भांति रही। हनुमान की अनुपस्थिति में हनुमान की भांति ही उसने मुझे अतिबल के आक्रमण से बचाया। हनुमान की भांति ही आपके साथ राक्षसों से लड़ी। यदि आप शांत मन से विचार करें तो हनुमान का प्रस्ताव उचित प्रतीत होगा। माँ ठीक कह रही है। मुझे भी इसके नेत्रों में हनुमान के प्रति माँ की भांति प्रेम दिखाई दे रहा है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने हनुमान के लिए जो कुछ भी किया, माँ व महाराज के लिए जो किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मुझे तुम्हारी हनुमान की ढाई माता बनना स्वीकार है। माँ, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मार्जरिका को शाप मुक्त किया, धाय माता का स्थान दिया। राक्षसी को मिला क्षमादान, बड़े दयालु हैं हनुमान। शत्रु को भी मित्र बनाया, निर्मल स्नेह का पाठ सिखाया। मात तुल्य करते सम्मान, हनुमत रखते नारी का मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
मान पाकर मैं कृत कृत हो गई हूं। मैं भी महारानी अंजना की भांति ही एक अप्सरा थी। किंतु मेरी एक भूल के कारण एक ऋषि ने मुझे बिल्ली योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। मेरे श्राप का अंत मेरे हृदय में मातृत्व का भाव जागृत होने और किसी के द्वारा मुझे मां का सम्मान देने पर होना था। हनुमान, मुझे मां का सम्मान देकर तुमने मुझे नया जीवन प्रदान किया। मेरा गौरव, मेरा ये रूप मुझे लौटाया है। मैं सदैव तुम्हारी आभारी रहूंगी पुत्र। महारानी अंजना, आपका पुत्र हनुमान विलक्षण है। इसके जैसा सर्वगुण संपन्न एक संपूर्ण पुत्र कदाचित ही होगा इस संसार में। नहीं, अभी संपूर्ण नहीं है हनुमान। प्रणाम देव गुरु जी। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। सर्वगुण संपन्न है हनुमान। दिव्य वरदानों की शक्तियां भी मिली हुई है हनुमान। किंतु विधिवत शिक्षा ही संपूर्ण संस्कार कहलाती है। जो भी हनुमान को प्राप्त नहीं है देवगुरु, जिस हनुमान को देवताओं के वरदान ही नहीं नव दुर्गाओं ने भी वर दिए, जो इंद्रदेव का वज्र और ध्वजा धारी हो चुका, जिसे पवन देव ने स्वयं उड़ना सिखाया, संसार ने जिसके पंचमुखी और ग्यारह मुखी रूप के दर्शन कर लिए, अपनी मां को स्वर्ग से श्राप मुक्त कराकर वापस ले आया है, उस हनुमान को अब किस शिक्षा की आवश्यकता है? पुत्री अंजना, बिना गुरु के ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। गुरु के बिना सर्वशक्तिमान होते हुए भी हनुमान अपूर्ण है। जिस महान कार्य और उद्देश्य के लिए हनुमान का जन्म हुआ है, उसके लिए भी गुरु शिक्षा आवश्यक है। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म। देव गुरु जी, किससे मिलना है मुझे और आप किनके बारे में कह रहे हैं? पुत्र हनुमान, गुरु यदि श्रेष्ठ हो तो अपने शिष्य को भगवान से भी मिला देता है। तुम्हें भी किसी से मिलना है, वो समय आने पर तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा।